आ जाओ। तो पहला पेयर डिस्कस करते हैं, कैन, मे और माइट। देखो, कैन, मे और माइट का जो कंपैरिजन होता है ना, वो पॉसिबिलिटी के लिए होता है, संभावना के लिए, क्योंकि कैन भी संभावना दिखा देता है। तो कैन, मे और माइट को यूज कर रहे हैं किसके लिए? संभावना के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, मतलब कितने प्रतिशत संभावना है कि राजे जून में पेपर पास कर लेगा। तो ये जो संभावना वाली पॉसिबिलिटी है ना, कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये संभव है, क्या ऐसा हो सकता है, तो उस पॉसिबिलिटी या संभावना के लिए हम यूज करते हैं कैन, मे और माइट को। अगर किसी काम के होने की संभावना सबसे ज्यादा है तो कैन लगाते हैं। किसी काम के होने की संभावना बहुत कम है, हमें लग रहा है होगा ही नहीं, तो माइट लगाते हैं। और अगर हमें लग रहा है हो भी सकता है, ना भी हो, कुछ निश्चित नहीं है, तो हम मे लगाते हैं। जब हमें किसी काम की संभावना बहुत ज्यादा दिखानी है तो कैन, बहुत कम दिखानी है तो माइट, और 50-50 हमें नहीं पता होगा नहीं होगा, बन सकती है बात कि नहीं, तो उस सिचुएशन में हम कहते हैं मे। जैसे अगर एग्जामिनर हमें हिंट दे रहा है, भाई एक ऐसा बच्चा है जो पिछले 10 महीने से रोज 10 घंटे पढ़ता है, तो उसके पास होने की संभावना हम दिखाएंगे कैन से। एग्जामिनर हमें एक ऐसा केस दे रहा है जिसमें कह रहा है कि भाई उसका पढ़ाई की तरफ ध्यान ही नहीं है, तो हम उसके पास होने की संभावना दिखाएंगे माइट से। अब एग्जामिनर ना तो हमें कोई अच्छा हिंट दे रहा है, यानी वो बहुत पढ़ता है, या वो नहीं पढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं लिख रहा, सीधा कह रहा है ही डैश पास, तो हम कहेंगे मे, ही मे पास, क्योंकि ना तो हमारे पास कोई पॉजिटिव हिंट है, ना हमारे पास कोई नेगेटिव हिंट है। देखो, एक तो होता है मॉडल्स को स्पोकन में यूज करना, और एक होता है मॉडल्स को राइटिंग में यूज करना। आपके एग्जाम में आएगा रिटन में, स्पोकन में तो पता लग जाता है भाई हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, हमने कैसा पेपर दिया है, हम उस हिसाब से यूज कर देंगे। आई माइट पास दिस टेस्ट, यानी मुझे पता है मेरी तैयारी कम थी, शायद ही मुश्किल ही है कि पास हो, है ना। तो अपनी फीलिंग्स का हमें पता है, पर पेपर में तो सेंटेंस आएगा। अब जब सेंटेंस आएगा तो वहां पे एग्जामिनर को हमें हिंट देना पड़ेगा। पॉजिटिव हिंट मिले तो कैन लगा देना, नेगेटिव हिंट मिले तो माइट लगा देना, और कोई हिंट ना मिले तो मे लगा देना। इस बात को समझाने के लिए बचपन का एग्जाम्पल लेती हूँ। आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि इस एग्जाम्पल के बाद बात समझ ना आई हो। एग्जामिनर ने सिर्फ इतना सा लिख दिया, आपने ये सेंटेंस सुन रखा होगा, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, इसमें हमेशा क्या सुना है। नहीं, इस क्वेश्चन में हमेशा क्या सुना है? इट डैश रेन टुडे। हमेशा ही इस सेंटेंस में आपने आज तक क्या सुना होगा? मैं, पता है क्यों? क्योंकि ना तो हमें बादल गरज रहे हैं ऐसा कुछ कह रखा है, ना हमें कह रखा धूप चमक रही है, तो ना पॉजिटिव हिंट दे रहे हैं ना नेगेटिव दे रहे हैं, इसलिए मैं आ गया। अगर पॉजिटिव हिंट देते, बादल छाए हैं, द स्काई इज क्लाउडी, कहना जाता। अगर वो कहता धूप निकली है, द सन इज शाइनिंग, माइट आ जाता। इस तरीके से अगर हमें पॉसिबिलिटी का केस दे रहा है एग्जामिनर, तो उसे पॉजिटिव या नेगेटिव हिंट देना पड़ेगा, तो ही हम कैन या माइट की तरफ झुकेंगे। अदरवाइज ज्यादातर केसेस में हमारा आंसर क्या बनेगा? मे बनेगा, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए।